आफ्टरनून एवरीवन, आई होप कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। हम जैसा कि आपने देखा कि हम अभी पढ़ते पढ़ते सो गए, क्या करें यार, इस बार दवा की गलती नहीं थी, इस बार इस किताब की गलती थी। ये जो किताब है हमारा प्यारा सा GST, ये नशीला किताब है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आप पढ़ते पढ़ते कब सो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए किताब बेसिकली हम सोने के लिए पढ़ते हैं। साला कुछ भी बोले राइटर हमको गजब गाली देगा। तो नहीं, ऐसे किताब बहुत अच्छा है मगर ये किताब की लैंग्वेज बहुत ख़राब है और मैं पता नहीं कब पढ़ते पढ़ते सो गया, मुझे पता नहीं चला। बस अभी 15 मिनट का फर्स्ट क्लास का नैप लेने के बाद अभी उठा। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है, आज तारीख, आज की तारीख हम फिर से भूल गए, बहुत तेज आज को सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो आज है 10th November 2020। बस देखते देखते ये साल खत्म होने वाला है और कुछ महीने ही बचे हुए हैं, कुछ महीने क्या, एक महीने बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 महीने। तो हम चाहते हैं जल्दी जल्दी ये साल ख़त्म हो, क्योंकि बहुत बदतर से बदतर, बुरा से बुरा, नीच पापी साल, जो भी आप कह लो ये साल है, और बस ख़त्म हो और नया साल से सब कुछ नया हो जाए, बैक टू नॉर्मल लाइफ जैसा हम लोग का था वैसा बिल्कुल हो जाए। और आज पूरे 10 दिनों के बाद हम कैमरा उठा रहे हैं, क्योंकि जो हम आप लोगों ने जो हमारा प्रीवियस व्लॉग देखा था और उस व्लॉग के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब इतनी कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। तो ऑब्वियसली इस बात है कि मैं कोई व्लॉग बना नहीं पाऊंगा, मगर आज 10 दिनों के बाद मैं काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने सोचा आज एक बढ़िया जगह चला जाएगा और वो बढ़िया जगह हम अभी आपको नहीं बताएंगे, वो आपको बताएंगे रास्ते में। तो उसके लिए तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और वीडियो स्किप मत करना, ठीक है? हाँ, वीडियो आप लोग बहुत जल्दी स्किप कर देते हो, तो वीडियो स्किप मत करना। और हाँ, सबसे पहले आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया मेरे प्रीवियस व्लॉग में। मैंने कहा इतने सारे कमेंट कर दिए कि मेरा दिल एकदम बाग बाग गार्डन गार्डन हो गया। तो आप बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, हम ऐसे ही कमाल के व्लॉग्स बनाते रहेंगे। और अपना एक प्लान चल रहा है दिवाली के बाद कहीं जाने का, अगर वो सक्सेसफुली कामयाब हो गया तो बहुत मस्त मस्त व्लॉग बनेंगे, बट पहले कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंफर्म हो गया तब तो भैया अलग लेवल का मज़ा है, और नहीं हुआ तो फिर बनारस में तो है ही हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। आज बुधवार है, नहीं सॉरी मंगलवार है, तो मंगलवार को ही फर्स्ट क्लास का एक बढ़िया सा फ्रेश गर्मा गर्म जलेबी मक्खन मलाई की तरह व्लॉग बनाया जाए। और जो हमारी एनर्जी लेवल आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, क्योंकि प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया। तो जैसा कि हमने कहा था अपने सेकंड व्लॉग में कि जैसे जैसे हम कैमरा के सामने खुलते जाएंगे वैसे वैसे अपनी एनर्जी लेवल और अपना जो कैमरा के सामने जो कैमरा कॉन्शियस है, जो कहते हैं ना हम कैमरा का बहुत डर है, बचपन में कैमरा से बहुत ज़्यादा डरते थे, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे अपना कैमरा कॉन्शियस धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे कमाल के वीडियोज़ बनते ही जाएंगे। तो एक काम करते हैं, आपसे तभी मिलते हैं जब उठाएंगे वापस से कैमरा, बात करेंगे आपसे फिर से। तब तक के लिए एक काम करो, आप थोड़ा भी रेस्ट करो, हम भी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट जब भी कैमरा उठाएंगे। अभी हमें मान मंदिर घाट पे, अब तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम कहाँ पे हैं। वैसे हम भी पहली बार यहाँ पे जा रहे हैं, देखिए कैसा लगता है वहाँ से। वैसे देखने में सुनने में पता चलेगा कि बहुत अच्छा है, और वहाँ जाकर पता चलेगा कि कितना अच्छा वहाँ पे है मानसिंह ऑब्जर्वेटरी। अरे हम तो बता भी दिए, तो ठीक है चलो जब बता दिए तो भैया, तो चलो हम जा रहे हैं मानसिंह ऑब्जर्वेटरी में, काफ़ी अच्छा वहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर जाके काफ़ी लेट हो चुका है, थैंक्स टू ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लेट करवा दिया हमें। निकले थे 3:30 बजे हम घर का, मगर हमको बच गए हैं इस वक्त 4:15, और 5 बजे मानसिंह ऑब्जर्वेटरी बंद हो जाता है। ये सीढ़ी चढ़ के पूरा मानसिंह ऑब्जर्वेटरी का है, शायद पहुंच गए हैं, कंफर्म नहीं है, गूगल मैप हमेशा गलत बताता है, इतना तो हम तय कर चुके हैं। हम जिस गली से जा रहे हैं
पूरा ये देख रहे हो, पूरा मंदिर मंदिर हर जगह मंदिर। और भैया क्या जगह है, अपने बनारस पास तो कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए। मान सिंह ऑब्जर्वेटरी है ना उधर से, उधर से किधर से रास्ता है, किधर से रास्ता है? तो घाट से तो उतर के हम आए थे। हेलो करे उधर से घूम के जाइए। तो बेसिकली मान मंदिर घाट पर मान सिंह ऑब्जर्वेटरी है, इतना ऊपर हम चढ़ के गए जरूर मगर दिखा नहीं। अब वापस हमें ऊपर जाना होगा, वापस ऊपर का रास्ता किधर से हमें पता नहीं है, ऐसा कोई से पूछना पड़ेगा। तो मान सिंह ऑब्जर्वेटरी में पहुँच तो गए मगर यहाँ पे एक लोचा हो गया। लोचा ये है कि पेटीएम से पैसा लेंगे या फिर फोन पे से या भीम से मगर कैश नहीं ले रहे हैं। तो भैया पीछे हमारे हैं दो तीन लोग, वो हमारे लिए पैसा दे रहे हैं, उनको पैसा दे चुके हैं 20 रुपया। अब देखिए जा पाते हैं कि नहीं, वैसे बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि उनका भी मिल नहीं रहा है मैच। और स्टैंड कह रहे हैं स्टैंड नहीं जाएगा, तो स्टैंड हमने रख दिया साइड में। तो देखो सॉर्टेड कर लेते हैं, अगर हो गया तो ठीक वरना वापस घर जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा वाला पोपट हो गया, पोपट ये हुआ कि हम अंदर जा नहीं पाए, जा कर भी मतलब जा नहीं पाए। वो पीछे जो बंदे थे जिनको बताया कि वो हमारे लिए पैसा दे रहे हैं, उनको हमने पैसा दिया भी था, तो हुआ क्या कि उनका ना भीम काम कर रहा है, ना पेमेंट काम, ना पेटीएम काम कर रहा है, ना UPI काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसकी वजह से तो कैंसिल करना पड़ गया। तो हम ना चाहते हुए भी इतना दूर आए ऑब्जर्वेटरी ज़रूर मगर देख नहीं पाए। हुआ क्या कि ये लोग ऑनलाइन पैसा ले रहे हैं, ऑफलाइन नहीं ले रहे, लोग कैश में नहीं ले रहे हैं, लोग को पेटीएम से चाहिए या तो UPI या भीम इन सब से चाहिए, और हमारे पास इन सब में कोई है नहीं। अब अगले बारी जब आएंगे तो अपने भैया का फ़ोन लेके आएंगे क्योंकि उसमें है। तब तक के लिए यहाँ पे बस खाली बैठे हैं, राउंड मार रहे हैं। और क्या आए थे बड़ा उम्मीद लेकर कि बढ़िया व्लॉग बनेगा बट कैंसिल हो गया। वही होता है ना कि किस्मत में जब नहीं होता था आप कितना भी कुछ कर लो मगर अब मिलता नहीं है। वही हुआ कि हमने इतना कोशिश की कि हो जाए, उन्होंने बहुत कोशिश की, पेटीएम से ट्राई किया, भीम से ट्राई किया, मगर उनका हुआ भी, उनका पैसा कट गया मगर टिकट का पैसा मतलब टिकट शो नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से वो लोग अंदर जाने नहीं दिए। हमने कहा यार कुछ 10-20 एक्स्ट्रा ले लो अंदर जाने, तो कहा नहीं भैया जब से कैशलेस हो गया तब से पैसा नहीं लिया जा सकता है, तो इसलिए अब पूरा आना जाना सब बेकार हो गया। तो अब अगले बारी जब आएंगे तो पूरा जुगाड़ के साथ आएंगे। और आज फिर से पूरा बना बनाया प्लान पूरा कैंसिल हो गया और वापस से खाली याद हमको अब घर जाना पड़ेगा। पर ठीक है कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। आप यहाँ से व्यू लो, कुछ करना नहीं, अब डायरेक्ट घर चलना है। मूड ऑफ हो चुका है पूरे तरीके से, इसलिए अब डायरेक्ट चलने घर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्लान बनाया और एकदम उस जगह पे पहुँच कर कैंसिल हो गया? क्योंकि उस जगह पे पहुँच कर कैंसिल हो गया सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पेटीएम नहीं था, ना कोई UPI ऑनलाइन पेमेंट का मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम जा नहीं पाए वरना हम आराम से जा रहे थे। फाइनली घर आ गए हैं, इतना जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और क्या बताएं, मत आना जाना बेकार हो गया पूरा, मगर कुछ भी कहो मजा आया। अब मजा तो आएगा यार कि अब घाट घूमे, उतना ढेर सारा घूमे फिरे तो मजा तो आएगा ही। बट हाँ, बट जिस काम के लिए गए थे, जिस एम बना के लिए हम गए थे कि हाँ
हमको ऑब्जर्वेटरी घूमना है, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी बहुत कमाल का है, उसमें काफ़ी अलग अलग तरीके से काफ़ी प्राचीन चीज़ें भी हैं, काफ़ी यूनिक चीज़ भी है, बहुत कुछ उसमें है, मगर सिर्फ ATM और पेटीएम की वजह से हम नहीं जा पाए, जो कि बहुत दुख हुआ हमें। बट कोई नहीं, ब्लॉग तो बहुत कमाल का बनने वाला था मगर कमाल का बन नहीं पाया। तो इस शॉर्ट एंड सिंपल से ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो। बस जैसे आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग में अपना प्यार दिखाया था, वैसे ही आप लोग इस ब्लॉग में भी अपना प्यार दिखाइएगा। हाँ, ज़्यादातर ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं हमको दिखाने को, बहुत कुछ दिखाना चाहते थे मगर दिखा नहीं पाए, बिकॉज ऑफ इट कि हम जा नहीं पाए उसमें। तो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ऑप्शन दोनों हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, बहुत ही अच्छे वाले। तब तक के लिए बाय बाय, जय राम जी की। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।